संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस पर लगाया कार्यवाही न करने का आरोप। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों के साथ होने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। पूरा मामला जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर युवती ने निकाह का झांसा देकर युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, लेकिन वह निकाह करने से इनकार कर रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने तहरीर देकर आरोपी युवक जुनैद के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या मामला है आपके साथ में, क्या हुआ? ये कि सर, एक लड़का था जुनैद, जिसने सब कुछ करा, फिर मुझसे कह रहा था कि निकाह करने को, तो उन्होंने करा नहीं मेरे साथ निकाह। और उसके घर वाले फालतू में हमारे घर आके यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करा उन लोगों ने, और हम पुलिस के पास गए तो वो हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सब बातें हमने उनसे सामने भी की तो तब भी वो हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। क्या नाम है लड़के का? जुनैद कुरैशी। क्या वो आपके साथ में, क्या करा? उन्होंने तो बहुत कुछ करा था मेरे साथ, लेकिन वो बस एक ही बात करता था, मैं तेरे से निकाह कर लूँगा। फिर कितने दिन से? ऐसी जब से अभी ये लॉकडाउन लगा है, जब से वो मेरे साथ करता था। कितने टाइम हो गए? चार महीने हो गए। आपने शिकायत वगैरह नहीं की ऊपर जाकर? नहीं, तो वो मुझे धमकाता था बहुत ज़्यादा कि मैं तेरे पर तेरा डाल दूँगा, गोली मार दूँगा। सारे कहाँ का रहने वाला है? चौधरी सराय नाली। क्या नाम है? जुनैद। अब क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती हूँ सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए? यस। क्या नाम है आपका? कैसा जहाँ? क्या परेशानी हुई आपने पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी? परेशानी सर, हमारे लड़के को आता था घर में, मर इसको छेड़छाड़ करता था, इसको क्या नाम ले मैं पर इसको क्या नाम घर में घुसकर इसको डराता था, धमकाता था, हमारे लड़के के साथ में ऐसा मतलब बलात्कार करता था, समझे? और क्या नाम ले मैं इसको डरा धमका के चला जाता था। ये लड़की डर के वजह से कहती नहीं थी, और इसने अब हमसे क्या हाँ जब ये बात हुई, निकाह करने को कहा है ना, निकाह को भी नहीं करा, मना कर दिया इसने। सर हम ये चाहते हैं कि बंद हो जाए, उन्हें जेल हो जाए। जब कौन है डरा धमकाता था? ये जुनैद है, उसका बाप है असलम, उसकी माँ है, क्या नाम है उसका, उसकी माँ का फिरोजा और सायना। अच्छा, ये चारों हैं। अब क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि उन्हें जेल। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस नहीं सुनवाई कर रही है। कितने दिन से सुनवाई कर रही है? जब से ये हमने लड़के जो बात हुई है, जब से हमने कोशिश कर रहा है, जब से सुनवाई नहीं कर रही। कितना टाइम हो गया? ऐसे होगा 15 दिन हो गए होंगे, 13 तारीख का ये झगड़ा है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस हम जाते हैं तो कह देते हैं हाँ कर देंगे, फिर कोई सुनवाई नहीं करती।